लेमन क्रैकल बिस्कॉटी। दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट प्रकार की और रिफ्रेशिंग बिस्कॉटी है जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी, मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आती है। लेमन क्रैकल बिस्कॉटीज बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही ले ली है, 4 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। हर एक बिस्कॉटीज के अंदर नाप अलग अलग होते हैं तो आप उस प्रकार से रेसिपी को फॉलो करके तैयार कीजिएगा। मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, मिश्रण को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से राइज हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी की सामग्री ऐड कर देती हूँ। इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख देती हूँ, हम जो भी बिस्कॉटी के लिए सामग्री यूज करेंगे उसे स्ट्रेन करके यूज करेंगे। 1/4 कप बादाम का चूरा, मैंने यहाँ पे ब्लांच आलमंड फ्लावर लिया है, 1 कप मैदा, ये 110 ग्राम मैदा है। सामग्री को अच्छे से सीव कर लेंगे। एक नींबू लिया है और ग्रेटर लिया है, हमें नींबू का जो येलो वाला हिस्सा है वो ही लेना है। जैसे ही नींबू का व्हाइट वाला हिस्सा आएगा मैं इसे ग्रेट करना बंद कर दूंगी। आपने गलती से व्हाइट वाला हिस्सा भी ग्रेट कर लिया तो बिस्कॉटीज कड़वी हो जाएंगी, तो जब भी आप ये नींबू का छिलका डालें तब इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से लेमन जेस्ट डालने से बिस्कॉटीज बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी लगेगी। आपको वीडियो में सिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून जितना लेमन जेस्ट लिया है, आप अपने इच्छा अनुसार इसमें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अच्छा फ्लेवर डालने के लिए मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून लेमन एसेंस भी डालती हूँ। लेमन एसेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसे ऐड करने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आपको मिलेगा। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला के इसका आटा तैयार कर लेती हूँ। दो टेबलस्पून बटर, मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का उपयोग किया है। 1 टेबलस्पून मैदा डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसे स्पैचुला से निकाल लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया हमारा डो तैयार हुआ है। लेमन बिस्कॉटी इसके लिए जो डो है वो तैयार हो चुका है, अब हम इसमें से बिस्कॉटी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, उसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। बिस्कॉटी के लिए जो डो है उसे मैं बोर्ड के ऊपर ले लेती हूँ और इसे मसल लेंगे। जो आटा है उसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेती हूँ और इसका एक रोल बना लेंगे। जब भी आप ये रोल बनाएं तभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो इसे हैंडल करने के लिए तो आप थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लॉक को तैयार कर लिया है, इसे मैं बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देती हूँ। अब मैं इसे 180 डिग्री के ऊपर 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। 25 मिनट हो चुके थे और मैंने डो को बाहर निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हुए हैं। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। लेमन बिस्कॉटी का डो है वो एकदम ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी बिस्कॉटी तैयार हुई है। हम ये एगलेस बना रहे हैं इसलिए ये बिस्कॉटी थोड़ी सी क्रैक होगी, पर जब भी आप इसे बनाएं तभी इस प्रकार से ही बनाइएगा जिससे ये बहुत ही खस्ता और बढ़िया तैयार होगी। मैं ये बिस्कॉटी को ट्रे के अंदर अरेंज कर लेती हूँ। अब मैं इसे अवन के अंदर 180 डिग्री के ऊपर 20 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने बिस्कॉटी को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ जिससे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बेक होंगी। मैंने सारे बिस्कॉटी इसको पलट लिया है। अब मैं इसे अवन में 10 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ। फिर हमें 20 मिनट के लिए इसे बेक करना है।
मैंने सारे बिस्कुटीज को बाहर निकाल लिया है दोस्तों, ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेमन क्रैकल बिस्कुटी के लिए ऊपर मैं एक सॉस बनाती हूँ, वो बना लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप डायरेक्टली सर्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने एक बोल के अंदर 1/4 कप आइसिंग शुगर ले ली है। ये सॉस बनाने के लिए हमें आइसिंग शुगर का ही उपयोग करना है। उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ, 1/4 टीस्पून नींबू का रस। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 कप आइसिंग शुगर और डाल देती हूँ। टोटल हमें 1/2 कप आइसिंग शुगर लेनी है, पर इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े और हमें बहुत ही बढ़िया आइसिंग मिले। हमारा लेमन बिस्कुटी के लिए आइसिंग तैयार हो चुका है, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ। सारे बिस्कुटीज ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसे ट्रे के ऊपर अरेंज कर लिया है और अभी हमने जो सॉस तैयार किया है उसे मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर लेती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ, जिससे ये सॉस ड्राई हो जाएगा और बिस्कुटी के ऊपर सेटल हो जाएगा। हमारे लेमन क्रैकल बिस्कुटीज बनके तैयार हैं। दोस्तों ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी बिस्कुटी हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा।